ये 498 ए का इतना ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है कि अब सिर्फ पत्नी ही नहीं, अब उसके साथ पति भी मिलकर के अपने पिता की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ झूठी 498 ए की FIR को दर्ज कराने में भी कुरेज नहीं कर रहे हैं। कभी कभी हमने ये महसूस किया है कि सिर्फ पत्नी ही 498 ए का दुरुपयोग नहीं करती, बल्कि कभी कभी समाज में पत्नी और पति मिलकर के 498 ए का दुरुपयोग किया करते हैं, जिससे कि पति अपने माँ बाप और पत्नी अपने सास ससुर की संपत्ति को हथिया सके। कैसे और किस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है, आज का जो ये वीडियो है ये उसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। मुंबई हाईकोर्ट में ठीक इसी तरह का एक केस पहुंचता है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि किस तरह से 498 ए का दुरुपयोग अब किया जाने लगा है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का अपना स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आगे चलने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं केस का टाइटल। दर्शन कुमार विलायती राम खन्ना एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, और इसमें फैसला सुनाया गया है 18 जुलाई 2024 को। होता क्या है कि इस केस में जो पत्नी है वो अपने पति के साथ मिलकर के एक FIR लॉन्च करती है 498A 323, 504 और 506 रेड विद 34 IPC अपने परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ। ये जो परिवार के सदस्य हैं, जो भाई हैं, बहन हैं, ये सभी लोग पहुंचते हैं हाईकोर्ट में क्वेश्चन कराने के लिए 482 CRPC के तहत। जब ये केस एडमिट होता है तो समन भेजे जाते हैं इस पत्नी को, लेकिन ना तो पत्नी के बिहाफ पर कोई एडवोकेट और ना पत्नी साहिबा खुद ही अपीयर होती है। यहाँ हाईकोर्ट में रिस्पोंडेंट नंबर 3 हैं पत्नी, और जितने भी ये पिटिशनर्स हैं वो सारे के सारे इन लॉज हैं 498A के तहत। ये FIR फाइल की गई थी जिसको क्वैश कराने के लिए ये सभी लोग पहुंचे हैं मुंबई हाईकोर्ट में। यहाँ पर इस पत्नी के द्वारा जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सारे के सारे एलिगेशंस लगाए हैं अपने पति के इशारों पर चलते हुए, जो ऐसा महसूस हो रहा था इस FIR को पढ़ने से। यहाँ पर जो पिटिशनर नंबर 1 है वो फादर हैं इस हस्बैंड के और इस वाइफ के फादर इन लॉ साहब। इनकी मृत्यु हो चुकी है और क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी तो इसीलिए इनको डिलीट कर दिया जाता है फ्रॉम द एरे ऑफ पिटिशनर्स। पिटिशनर नंबर 2, पिटिशनर नंबर 3 और पिटिशनर नंबर 5 ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, और पिटिशनर नंबर 4 जो हैं वो पत्नी है पिटिशनर नंबर 2 की। जब हम इस FIR को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि शादी इस पति और पत्नी के बीच में हुई थी 15 फरवरी 2009 को। ये जो पति है वो कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस और साथ में रियल एस्टेट कंसल्टेंट का ये बिजनेस चला रहा था। ये वाइफ जो है, यानी कि जो कंप्लेनेंट है जिन्होंने ये FIR लॉन्च कराई है, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। जब इस FIR को पढ़ा जाता है तो सिर्फ ये 5 ज्वेलरी आइटम्स की बात करती हैं जो कि गिफ्ट किए गए थे इस पत्नी को इनके मायके की तरफ से भी और इनके ससुराल पक्ष की तरफ से भी। जब ये FIR को आगे हम पढ़ते हैं तो वो लिखती हैं आगे, इसके पति के साथ परिवार छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एलिगेशन लगाए हैं इस पत्नी ने, उसने अपने खिलाफ नहीं लगाए हैं, उसने शुरुआत की है कि उसके पति के साथ परिवार के अन्य सदस्य मिलकर के छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं और इसीलिए अब इस पति और पत्नी को ये घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं।
साथ ही जो इट्स फादर इन लॉ जिनकी डेथ हो चुकी है उनके बारे में ये कहती हैं आगे कि उन्होंने एक फ्लैट की डिमांड की। इसके बाद वो एफआईआर में आगे लिखती हैं कि इस पति और पत्नी दोनों के साथ पूरा परिवार मिलकर के गाली गलौज करता है। फिर बहुत सारी ये एक लिस्ट बताती हैं जिसमें क्रुएलिटीज दिखाती हैं, उसमें ये बताती हैं कि कैसे इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, किचन को यूज न करने की वजह से दुर्व्यवहार हुआ, अन्य सामानों को यूज न करने से दुर्व्यवहार किया गया, इस पत्नी को परिवार के द्वारा टेरेस पर और गार्डन में जाने से रोका गया, काला जादू ये करती है इस बात के लिए इसको परेशान किया गया, और साथ ही ये आगे आरोप लगाती है कि इसके रिश्तेदारों पर फप्तियां कसी गई, जितने भी नौकर घर में काम करते थे उन सभी नौकरों को रोका गया कि वो इस पत्नी का काम नहीं करेंगे। ये क्रुएलिटीज बता रही है सारी। और उसने एक घटना भी लिखी जिसमें उसने ये लिखा कि इन सभी पिटिशनर्स ने मिलकर के इसको पीटा। यहां पर 12 केसेस की लिस्ट सामने आती है जो कि पति और पत्नी ने मिलकर के लगाए थे अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ। पुलिस स्टेशन आरपीआर में 504, 506, 323 के काफी सारी कंप्लेंट्स हैं, एक मई 2010 से लेकर के 11 अप्रैल 2011 के बीच में। इसके अलावा पुलिस स्टेशन वर्ली में भी 2 केसेस पेंडिंग दिखाए जा रहे हैं। यहां पर इन पटिशनर्स के कौंसिल साहब का कहना था कि ये जो एफआईआर दर्ज की है इस पति पत्नी ने, ये जो डिजीज्ड फादर है उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए किए गए हैं। साथ ही इन कौंसिल साहब ने बताया कि बहुत सारे सिविल कोर्ट्स में बहुत सारे ढेरों केसेस पेंडिंग हैं। डिजीज फादर ने एक सूट किया था फाइल कि ये जो पति और पत्नी है इन दोनों को इस पिता की प्रॉपर्टी में घुसने से रोका जाए। डिजीज फादर ने एक एमएम के सामने एक कंप्लेंट भी फाइल की थी अंडर सेक्शन 385, 504, 506 टू रेड विथ 34 आईपीसी। इस कंप्लेंट में प्रोसेस इशू कर दिया गया था और ये जो प्रोसेस इशू किया गया था इसको चैलेंज किया गया था इस पत्नी के द्वारा, जो कि बाद में डिसमिस इन डिफॉल्ट हो जाता है। 2013 में ये जो फादर है जिनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने जितने भी एसेट्स हैं उसमें से ज्यादातर एसेट्स को गिफ्ट डीड के जरिए ट्रांसफर कर दिया था। और 2022 में ये जो हस्बैंड है इस ट्रांसफर को चैलेंज करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो गिफ्ट डीड है इसको कैंसिल किया जाए और इस पूरी प्रॉपर्टी का एक पार्टीशन किया जाए। यहां पर कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं मिलता है इस पति को, सिर्फ एक डायरेक्शन दे दी जाती है कोर्ट की तरफ से कि बिना प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो किए जहां पर भी ये पति रह रहा है वहां से उसको निकाला ना जाए। तो मतलब ये हुआ कि ये पति और पत्नी ने मिलकर के ढेरों कंप्लेंट्स फाइल की, इन्होंने चैलेंजेस किए, लेकिन इनको फिर भी किसी भी तरह का इंटरिम रिलीफ नहीं मिलता है, सिर्फ एक छोटी सी डायरेक्शंस मिलती हैं। इसीलिए ये जो एफआईआर की गई थी ये सिर्फ एक काउंटर ब्लास्ट है जो कि डिजीज फादर ने जो भी केसेस फाइल किए गए थे उसके अगेंस्ट ये एक काउंटर ब्लास्ट नजर आता है, ये पटिशनर्स के एडवोकेट साहब का कहना है। और पटिशनर्स के एडवोकेट साहब कहते हैं कि कोई भी ऑफेंस किसी भी तरह का नहीं हुआ है। वाइफ की जो माँ है उषा शर्मा, उसने जो ज्वेलरी गिफ्ट की थी अपने बेटी और दामाद को, उसके लिए भी किसी भी तरह की कोई रिसीट अवेलेबल नहीं थी। कोर्ट ने ये सारी चीजें देखी सुनी और उसके बाद कहा कि मेरिट पर जाने से पहले एक बार हम हामिद अली अनिल कुमार रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस देख लेते हैं, जहां पर एलिगेशंस लगाए गए थे जनरल और ऑब्निमस इन नेचर, किसी भी तरह का कोई प्राइमा फेसिया केस नहीं बनता हुआ नजर आया था। उसके बाद कहकशां कौसर अलियास सोनम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस का भी जिक्र हुआ, यहां पर भी एलिगेशंस बिल्कुल वेग और जनरल थे, कोई भी स्पेसिफिक रोल और पर्टिकुलर्स किसी भी एक्यूज का नहीं दिखाया जा रहा था, इसीलिए इस एफआईआर को क्वैश कर दिया गया था ये कहते हुए कि ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। कोर्ट ने आगे ये कहा कि अगर कोई एक्यूज्ड आ भी जाता है 482
सीआरपीसी के तहत इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक कराने के लिए हाईकोर्ट की, या 226 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसके द्वारा कि इस एफआईआर को क्वैश किया जा सके और प्रोसीडिंग्स को भी क्वैश किया जा सके। तो यहाँ पर हाईकोर्ट की ये ड्यूटी हुआ करती है कि वो एफआईआर को अच्छी तरह से पढ़े और ये देखने की कोशिश करे कि कहीं ये किसी तरह से बदले की भावना से तो नहीं की गई है एफआईआर। और साथ ही कोर्ट की ड्यूटी है कि वो ये देखे कि क्या नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स इस ऑफेंस के मौजूद हैं उस एफआईआर में। इसके साथ ही हाईकोर्ट की ड्यूटी ये भी रहती है कि वो सारे के सारे सर्कमस्टेंसेस को अच्छी तरह से गौर फरमाए कि क्या ऐसा कोई सर्कमस्टेंस तो नजर नहीं आ रहा जिसमें छुपी भावना को देखें अच्छी तरह से। सिर्फ केस की स्टेज को नहीं देखना है हाईकोर्ट को, बल्कि उस केस को दर्ज करने का सर्कमस्टेंस क्या है या इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या मिला है, इन सभी चीजों पर भी हाईकोर्ट को गौर फरमाना होगा। अब अगर इस एफआईआर को पढ़ा जाए तो यहां पर जितने भी एलिगेशंस हैं वो जनरल हैं और वेग हैं। अगर इस महिला ने, इस पत्नी ने जितने भी इंसिडेंट्स लिखे हैं वो सारे के सारे इन जो इंसिडेंट्स हैं उसमें कहीं पर भी 498A के इंग्रेडिएंट्स नहीं है, क्योंकि 498A कहता है कि अगर किसी महिला से दुर्व्यवहार किया जाए, हैरस किया जाए उसको, तब जबकि उस महिला से सभी आरोपियों ने दहेज की मांग की थी और जब ये महिला दहेज की मांग को पूरी नहीं कर पाई है तो अब इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, अगर ये चीज मेड आउट होती है एफआईआर में तो ही 498A चल सकता है, अदरवाइज नहीं चल सकता। अगर इस एफआईआर को पढ़ते हैं तो आगे है, मुंबई हाईकोर्ट कहता है कि सिर्फ पति के रिश्तेदारों के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वेग और जनरल वो लगाए गए हैं, और कुछ एलिगेशंस तो ऐसे हैं कि पत्नी के ऊपर अत्याचार नहीं दिखाए गए हैं बल्कि इस पत्नी के पति के खिलाफ ये अत्याचार दिखाई दिए गए हैं। और 498A बहुत क्लियरली कहता है कि अगर किसी महिला, तो ये जो पति है ये महिला नहीं है, और एक पुरुष अपने परिवार के खिलाफ अगर आरोप लगा रहा है तो किसी भी तरह से 498A नहीं बनता है। सिविल लिटिगेशन इस पति और पत्नी के खिलाफ बहुत सारे चल रहे थे पहले से, पर्सनल इंटरेस्ट इसके अंदर नजर आ रहा है और वो पर्सनल इंटरेस्ट था कि ये फैमिली प्रॉपर्टी पर इन्होंने एक आंख लगा रखी थी। इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से बहुत सारा लिटिगेशन इन लोगों के बीच में पहले से चलता आ रहा है। इस एफआईआर से ऐसा लगता है बिल्कुल क्लियरली कि इस पति को प्रॉक्सी बनाया है इस पत्नी ने, ताकि जो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है उसको सेटल कर सके किसी तरह से इस 498A की कंप्लेंट के द्वारा। इस पति और पत्नी ने इस गिफ्ट डीड को चैलेंज भी किया है जो कि इनके मृत पापा ने दूसरे परिवार के अन्य सदस्यों के लिए फेवर में कर दी थी, प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी थी। और ये जो फादर की प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा लेने के लिए 498A एक शॉट की तरह यूज किया गया था, और इस एफआईआर को लॉन्च करने में नजर आ रहा है कि ये पति के इशारे पर की गई है। अल्टीरियर मोटिव इसके अंदर साफ साफ नजर आ रहा है, और यहां पर अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस का जिक्र किया गया, और मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा आ गई सेटल्ड लीगल पोजीशन के हिसाब से और केस के फैक्ट्स को देखते हुए एफआईआर कंप्लीट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। पुलिस मशीनरी को इस पति और पत्नी ने यूज किया है अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। 498A आईपीसी के ग्रॉस अब्यूज का क्लासिक एग्जाम्पल है ये केस, जिसमें पति के इशारे पर पत्नी ने अपने ससुर की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए ये 498A का सहारा लिया है। इसीलिए मुंबई हाईकोर्ट आगे ये कहता है कि पुलिस स्टेशन आरसीएफ की जो एफआईआर की गई थी अंडर सेक्शन 498A, 406, 323, 504 और 506 रेड विथ 34 आईपीसी, उसको क्वैश कर दिया जाए
और जब फाइनल रिपोर्ट फाइल की गई थी पुलिस अधिकारी के द्वारा एमएम के सामने, उसको भी क्वैश कर दिया जाए। और ये सब कहते हुए इस पिटीशन को मुंबई हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया। तो देखा आप सभी ने, ये 498A का इतना ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है कि अब सिर्फ पत्नी ही नहीं, अब उसके साथ पति भी मिलकर के अपने पिता की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ झूठी 498A की FIR को दर्ज कराने में भी कुरेज नहीं कर रहे हैं। ये समय आ गया है कि अब आप सभी को बहुत चौकन्ना रहना होगा, बहुत चौकन्ने होकर के आप सभी को, अगर आप बुजुर्ग माता पिता हैं और आपके बेटे और बहू ने मिलकर के एक साजिश के तहत आपके खिलाफ एक FIR की है 498A की, तो ऐसी FIR में आप ये सब चीजें ढूंढें कि 498A के इंग्रेडिएंट्स होते हैं या नहीं। तो आप इस जजमेंट का हवाला देते हुए अपने अपने केस में अपनी FIR को बहुत आराम से क्वैश करा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।